वक्त बिखरे हुए मोती न पिरोने देगा, यानी हम सबको कभी एक न होने देगा। वार दुश्मन जो करेगा तो करेगा खुलकर, दोस्त मारेगा तो एहसास न होने देगा। वार दुश्मन जो करेगा तो करेगा खुलकर, अरे दोस्त मारेगा तो एहसास न होने देगा। आज मौका है नहा लो ये नदी का पानी, आज मौका है नहा लो ये नदी का पानी, सर से ऊंचा जो हुआ हाथ न धोने देगा। आज मौका है नहा लो ये नदी का पानी, सर से ऊंचा जो हुआ तो हाथ न धोने देगा। वक्त बिखरे हुए मोती न पिरोने देगा। आइए मेरे दोस्तों इस शेर के साथ मोहन मुंतजिर का इस्तकबाल करें और जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट में इस्तकबाल करें। जोरदार तालियां दे मोहन मुंतजिर के लिए कि आजा के तकल्लुफ का कोई काम नहीं है, सब खास है महफिल में कोई आम नहीं है। अरे मिल जाए अगर तेरी निगाहों का सहारा, दुनिया ना बदल दू तो मेरा नाम नहीं है। जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई। अररिया से पिछले 4 महीनों से बड़ा अच्छा नाता है। अररिया वालों, मुझे ये बात कहने में कोई ज़रा भी हर्ज नहीं है कि आज मैं अगर कुछ हूँ पूरे बिहार में तो अररिया वालों आप लोगों की वजह से हूँ। एक बार अपने सम्मान में ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। क्या बात है। पहली बार अररिया के एक मुशारे में यहाँ सुभाष स्टेडियम में हुआ था, तो 14 अक्टूबर को मेरे छोटे भाई मतीउर रहमान ने वो मुशारा करवाया था। उस मुशारे ने बिहार के रास्ते खोले। आज उस कमेटी में जो लोग शामिल थे, इस डैस पे तशरीफ रखते हैं, क्या बात, छोटे भाई आफ्ताब फिरोज भाई और आपकी ये तैयार साहब। दूसरी मेरी हाजिरी आपके पड़ोस में सुपौल में हुई थी, दानिश मेहदीपुरी का मुशायरा था। उसके बाद तीसरी हाजिरी वो यहाँ पर शख्स तशरीफ रखते हैं, खलीलुर रहमान साहब और बायसी प्रमुख, बायसी मुखिया जिन्हें पूरा बायसी मामू कहता है। एक बार जोरदार इनके सम्मान में ताली बजाइए। उसके बाद मैं आपकी खिदमत में एक बात ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जब ये आपका मुशायरा होना था तो अब्दुल माजिद भाई मेरे पास आए, बायसी के मुशायरे में जो ये मामू का मुशायरा था खलील रहमान साहब का, वो बोले हमें एक मुशायरा करवाना है। मैं यकीन जाने के कौमी एकता का मुशायरा करवाना है। पूरी कमेटी का शुक्रगुजार हूँ, हमारे निरंजन सिंह जी यहाँ पर उपस्थिति रखते हैं, इनका भी बहुत स्नेह मिला, और बाकी ये हमारे शहनवाज भाई, नबी हसन भाई, नबी हसन भाई तो नज़र नहीं आ रहे हैं कहीं भी हो तो, अच्छा नबी हसन साहब हैं बहुत पीछे बैठे हुए हैं। पूरे कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ। बस यहाँ मेरे जितने नौजवान भाई तशरीफ रखते हैं, मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि जितनी देर मैं माइक पर हूँ, अगर आपने मेरा साथ दे दिया तो आज के बाद कभी मोहब्बत में मात नहीं खाओगे। क्या बात है, वाह। थोड़ा खुला सा दिल देना, ये कौमी एकता का मुशायरा। क्या कॉन्फिडेंस है भाई। कौमी एकता का मुशायरा चलते चलते मैं अब्दुल भाई डायस की भी खिदमत करूंगा। जितने मेरे नौजवान भाई हैं उनके सब्र का बड़ा इम्तहान लिया गया। बस इस ये हज़रत मोहतरम की इजाज़त लेते हुए 4 मिसरों से अपने शरीर सफर का आगाज करना चाहता हूँ इस दरख्वास्त के साथ कि आज के बाद कभी मोहब्बत में गिड़गिड़ाना मत। अल्लाह, 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अगर आपको लगे मैंने जिंदगी की सच्चाई कह दी हो तो कोई हाथ खामोश न रहे, ऐसे जरा मुशारा बनाइए तब मजा आएगा जी। जो मैं पीछे पड़ा होता पलट कर वार कर देती, अरे वाह, मुझे बदनाम कर देती, सरे बाजार कर देती, मुझे बदनाम कर देती, सरे बाजार कर देती, रहा खामोश तो उसने पहल कर दी मोहब्बत की, रहा खामोश तो उसने पहल कर दी मोहब्बत की, अगर इजहार कर देता तो वो इनकार कर देता। अरे वाह 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 वाह, ये है मोहन मुंतजिर नैनीताल। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, बहुत बहुत मेहनत की भाई, बहुत मेहनत की मुजाहिद हबीब हसन भाई ने, बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं। जब भी इनकी निजामत में कोई मुशारा देखा तो मैंने हर एक मुशारा कामयाब देखा। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, एक नए गीत तक पहुँचना चाहता हूँ, सुनिएगा अररिया वालों। मुझे देखेगी जब पल के झपक ना भूल जाएगी, क्या बात है, चुरा लूंगा तेरी नींदे तो सोना भूल जाए, चुरा लूंगा तेरी नींदे तो सोना भूल जाएगी, अगर मैं कप ही प्यारा है
तो मुझसे प्यार मत करना, घर में कप ही प्यारा है, तो मुझसे प्यार मत करना, मोहब्बत होगी जब मुझसे सवरना भूल। अरे वाह 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 मोहन साहब जिंदाबाद। अरे वाह 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 वाह। रफीक शादानी ने कभी एक शेर कहा था कि ये सब मेकअपो मेहंदी के कमाल हो रफीक, जितना समझा तो उतना जुआन थोड़े हो, समझे? वाह बहुत अच्छी तरह। बहुत शुक्रिया निसार अहमद साहब। भाई वाह वाह। और यकीन जानेगा एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं कि अगर कोई लड़की आपसे ये कहती है कि अगर इस दुनिया में कोई आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो लड़की करती है, तो समझ लेना कि वो लड़की अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोल रही है। अगर आपको इस दुनिया में कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो है आपके माँ बाप। जी वो लड़की आपको उनसे आधा प्यार कर सकती है, उनसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकती। जी चार मिसरे पढ़ता हूँ, जिंदगी का मकसद आपको सौंपता हूँ। क्या बात। किसी दिन बेवफा होकर उसे हम छोड़ सकते हैं जी, उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं। भाई उसी की बड़ी बुरी आदत है भाई, दिल अपना जोड़ सकते हैं, कभी भी लड़कियां घर तोड़ सकती हैं हमारा दिल, कभी भी लड़कियां घर तोड़ सकती हैं हमारा दिल, तो हम भी लड़कियों का दिल कभी भी तोड़ सकते हैं। वाह भाई वाह। हाय हाय हाय। अरे वाह मोहन भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या पैदा किया भाई, क्या जान डाली है भाई। वाह। कभी भी तोड़ सकते हैं, थी हालत जो मेरी पहले वो हालत अब नहीं करनी। क्या बात है। बहुत टूटा है दिल मेरा, मरम्मत अब नहीं करनी। बहुत टूटा है दिल मेरा, मरम्मत अब नहीं करनी, मुझे एक बेवफा लड़की नहीं बर्बाद कर डाला, मुझे एक बेवफा लड़की नहीं बर्बाद कर डाला। अरे जाओ हसीनाओ, मोहब्बत अब नहीं करना। आए, है, है। वाह भाई मोहन साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं, क्या मेरी जिंदगी का मकसद, जितने मेरे बुजुर्ग भी तशरीफ रखते हैं, इस बार मैं थोड़ी सी उनकी शिरकत चाहता हूं। साहब मेरा एक दोस्त था जिसने एक लड़की की मोहब्बत में धोखा खाकर अपनी जान दे दी। अल्लाह। और जब अपने दोस्त के बूढ़े माँ बाप की आंखों में उनके जवान बेटे के जाने का दर्द देखा, एक बहन की आंखों में उसके भाई के जाने का दर्द देखा, तो ये चार मिसरे मैंने कहे जो मेरी जिंदगी का मकसद बन गए। कुछ मत ले जाना यहाँ से मेरे जितने नौजवान भाई यहाँ तशरीफ रखते हैं, ये चार मिसरे अपनी जिंदगी में उतार लीजिएगा, मैं पढ़ता हूँ सुनिएगा। न जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना जी, पलट कर खुद ही देखेगी, तुम उस पर ध्यान मत देना। ये ले लो, ये अच्छा है, ये अच्छा है मशवरा। तुम उस पर ध्यान मत देना, अच्छा तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना। वाह भाई मोहन साहब जिंदाबाद। बहुत दिनों तक याद रखा जाने वाला शेर पढ़ा। वाह भाई वाह 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 वाह। मुजाहिद भाई की इसमें मुझे सनद मिल गई, तो ये मोहर है कि ये शेर अच्छा है। जी, बहुत बड़े नाज़िम है साहब। मैं एक गीत यहाँ से पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे कबल ये कौमी एकता का मंच जी। चार मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, झूठी तालियां मत बजाइएगा, लेकिन अगर आपको लगे कि मैंने ये चार मिसरे सच्चे पढ़ दिए, उसके बाद वो गीत पढ़ूंगा, यकीन जानिएगा महीनों तक सो नहीं पाओगे। अल्लाह। चार मिसरे पढ़ता हूँ, ये एक महीने की नींद चार मिसरे में उड़ा सकते हैं ये। अब देखे वो मिसरा क्या है। चार मिसरे अता करे वो नींद उड़ेगी गीत में। अच्छा, ये चार मिसरे अररिया वालों, जिस उपलक्ष में ये कार्यक्रम रखा गया है, ये कवि सलम मुशारा रखा गया है, अब्दुल माजिद भाई एक तरफ निरंजन सिंह साहब, एक तरफ आफ्ताब फिरोज साहब यहाँ उपस्थिति रखते हैं, एक तरफ मोनिका देलवी यहाँ पे तशरीफ रखती हैं। ये चार मिसरे पढ़ता हूँ, मैं आपकी मोहब्बत देखना चाहता हूँ इस भीड़ में।
अब्दुल माजिद साहब और निरंजन सिंह जी के लिए कि अगर ये मिसरे मेरे चार सच्चे कैदियों तभी ताली बजाना वरना खामोश रहेगा, सुनिएगा। इधर दरिया भी हिल जाए, उधर सहरा भी हिल जाए, क्या बात है, भला उस चीन की औकात क्या दुनिया भी हिल जाए, भला उस चीन की औकात क्या दुनिया भी हिल जाए, अगर हम नाम पर मजहब के लड़ना छोड़ दें यारो, अगर हम नाम पर मजहब के लड़ना छोड़ दें यारो, तो भारत देश के आगे वो अमरी का भी हिल जाए। अरे वाह 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 वाह, अरे मोहन जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद मोहन साहब, ये है, अरे वाह 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 वाह, क्या जिंदगी बख्शी है भाई मुशायरे को, ये है मोहन मुंतजिर नैनीताल, आए है वाह भाई मोहन, नहीं नहीं अररिया ही में आपको दूसरा घर बनाना होगा लग रहा है, वाह बड़ी मोहब्बतें हैं भाई, वाह जी जी जी, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, हाँ मैं हाजिर करता हूँ, मैं हाजिर करता हूँ जी, आता हो जी, मैं हाजिर करता हूँ, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आइए चार मिसरे, मेरा मन ये है कि जी अच्छा मैं हाजिर करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ मेरे भाई, फिर पढ़ दो भाई, फिर पढ़ दो दोबारा, मैं पढ़ता हूँ मेरे भाई, अरे नहीं दो बार पढ़ेंगे, घबराइए मत, चार मिसरे पढ़ता हूँ और आपकी कौमी एकता को सलाम करता हूँ, अगर ये नरपतगंज की तरह हर मुल्क में हर शहर में शहनवाज भाई, अब्दुल माजिद भाई, निरंजन सिंह साहब, हारून साहब, ये सब लोग हों एक 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 जगह पे, तो वो कौमी एकता की मिसाल होती मेरे भाई, एक बार यार अपने लिए तालियां बजा दो, मेरा बड़ा मन है, क्या बात। इधर दरिया भी हिल जाए, इधर दरिया भी हिल, उधर सहरा भी हिल जाए, क्या बात है, भला उस चीन की औकात क्या दुनिया भी हिल जाए, भला उस चीन की औकात क्या दुनिया भी हिल जाए, अगर हम नाम पर मजहब के लड़ना छोड़ दें यारो, अगर हम नाम पर मजहब के लड़ना छोड़ दें यारो, तो भारत देश के आगे वो अमरीका भी हिल जाए, वाह क्या बात है, वो अमरीका भी हिल जाए, बहुत बहुत शुक्रिया चाचा, चाचा ने खड़े होके मुझे दादी, चाचा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चार मिसरे और मेरे भाई, चार मिसरे और सच्चे मिसरे पढ़ना चाहता करें, अरे वालों आपने मेरा मन बनाया, चार मिसरे एकदम सच्चे मिसरे पढ़ता हूँ, सुनेगा, ये दिल है और जिगर अपना जी, तिरंगा झुक नहीं सकता, क्या बात है, देशभक्ति को प्रणाम करता हूँ आपकी नरपतगंज वालों, ये दिल है और जिगर अपना तिरंगा झुक नहीं सकता, है दुनिया को खबर अपना तिरंगा झुक नहीं सकता, है दुनिया को खबर अपना तिरंगा झुक नहीं सकता, हमारे देश के हिंदू मुसलमान देश की खातिर, हमारे देश के हिंदू मुसलमान देश की खातिर, कटा सकते हैं सर अपना तिरंगा झुक नहीं कटा। अरे वाह वाह वाह, क्या पैगाम दिया है कौमी यकजहती के नाम से भाई, वाह 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 जी, माशाल्लाह हमारे सदर मुशायरा हारून रशीद साहब ने आपको अपनी दुआओं से नवाजा, ये बहुत बड़ी बात है, ये देखिए वाह, ये नसर साहब है भाई माशाल्लाह, नश्तर आजाद ये माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया राजकिशोर पासवान जी, और ये माला नहीं साहब मेरे लिए मोहब्बत है, चार मिस्र मेरे भाई, थोड़ा सा जितने मेरे नौजवान भाई तशरीफ रखते हैं, मेरी जान यकीन मानना, आज एक जो मकसद होना चाहिए, आज हमारा जो नौजवान तबका जाना चाहिए, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप मोहब्बत मत करो, बस मैंने इतना कहा कि मोहब्बत में गिड़गिड़ाओ मत,
मैंने ये नहीं कहा साहब मोहब्बत मत करो, बस मैंने कहा कि मोहब्बत में कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपने माँ बाप की तरफ देख लो। क्या बात, जो मेरे उस दोस्त के साथ हुआ कभी किसी के साथ नहीं हुआ। चार मिसरे पढ़ता हूँ उसके बाद वो गीत। क्या पता कि वो आप ही के साथ हुआ हो। लेकिन एक गीत से कबल चार मिसरे आपकी देशभक्ति को प्रणाम करता हूँ, उसी मोहब्बत सुनना, फिर मैं गीत पढ़ता हूँ, सुनेगा मेरे जितने बुजुर्ग हैं तशरीफ रखते हैं, सुनिए। ये जीवन देश सेवा के जी बिना जीवन नहीं लगता। क्या बात है, ये जीवन देश सेवा के बिना जीवन नहीं लगता। मुझे सरहद पर भिजवा दो भला आंगन नहीं लगता। क्या बात है, मुझे सरहद पर भिजवा दो भला आंगन नहीं लगता। पड़ा जब से भगत अशफाक शेखर और बिस्मिल को, पड़ा जब से भगत अशफाक शेखर और बिस्मिल को, मेरा बचपन के खेलों में जरा भी मन नहीं लगता। हाय हाय हाय, अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद मोहन साहब, जिंदाबाद। अरे वाह 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 वाह, मोहनी अदाएं हैं आपकी भाई, सुभान अल्लाह, क्या बात है मोहन साहब। मेरे भाई यहाँ मैंने मैंने अपना काम कर दिया, अब मैं अपना मकसद आपके सामने रखता हूँ। जितने मेरे नौजवान भाई तशरीफ में, मेरे बुजुर्ग भी शिरकत करें, जो मेरी ज़िंदगी का मकसद है मेरे नौजवान भाइयों के लिए। और उससे कबल एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में दो तरह की लड़कियाँ होती हैं जी। एक वो जो मोहब्बत में किसी लड़के की ज़िंदगी तबाह कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। एक वो जो मोहब्बत में किसी लड़के की जिंदगी बना देती हैं, सवार देती हैं। वो लड़कियाँ जो मोहब्बत में किसी लड़के की ज़िंदगी तबाह कर देती है वो 100 में से कोई एक होती है। बाकी 99 लड़कियां वो होती हैं जो मोहब्बत में किसी लड़के की जिंदगी सवार देती है, बना देती हैं। मेरा पाला उस एक लड़की से पड़ा था। ये गीत सिर्फ उस एक लड़की के खिलाफ है, लेकिन थोड़ा सा मुझे मन दे दोगे तो शायद आज के बाद कभी मोहब्बत में मात नहीं खाओगे। मुजीब भाई इंशाल्लाह वहां तक पहुंचाएंगे। जो आपको कोर्स में नहीं पढ़ाया गया वो आपका ये भाई मोहन मुंतजिर आज आपको पढ़ाता है। जवानी का सबसे बड़ा सबक आपको पढ़ाता हूँ, जो मैंने जिंदगी में सबसे अच्छा कहा मैं वो सुनाता हूँ। आप मेरा यकीन मानिएगा कि मुशायरा मीडिया से मुजीब भाई यहाँ तशरीफ रखते हैं, कल इस मुशायरे को पूरी दुनिया इंटरनेट के जरिए देखेगी और देखेगी कि आप अदब की कितनी खिदमत करते हैं। और मैं ये गीत पढ़ता हूँ, ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान तक पहुँचाना। जो नौजवान भाई यहाँ आज नहीं आ पाए उनको कल ये गीत सुना, स्वागत है, अता करें दरख्वास्त के साथ कि आज के बाद कभी मोहब्बत में गिड़गिड़ाना मत। बने रहना लड़कों खुददार, नया गीत पढ़ता हूँ, अरे रे वालों आप सुन लोगे पूरे हिंदुस्तान में पढ़ूंगा। बने रहना लड़कों खुददार, बने रहना लड़कों खुददार, बने रहना लड़कों खुद। जब तक आप सब लोग मिलके ताली नहीं बजाओगे मैं रात भर यही मिसरा पढ़ता रहूंगा। बने रहना लड़कों खुददार, बने रहना लड़कों खुददार, बने रहना लड़कों खुददार, बने रहना लड़कों खुददार। अगर कर बैठोगे इजहार मोहब्बत डस लेगी, अल्लाह मोहब्बत डस लेगी। मेरा यकीन मानना कि जब भी ये मिसरा आए, ये देखिए जो जिन जिन को डसी है वही लोग आए हैं, घबराइए जी, मोहब्बत डस लेगी, डस लेगी। अब तक सांप को डसते देखा था लेकिन मोहन साहब से सुनिए। अभी ये NSTV वाले आए और माला पहना गए, बस जब ये मिश्रा आए कि मोहब्बत डस लेगी तो समझ लेना कि आपको वहां पे अपनी दुआओं से नवाजना है, वहां से अपनी तालियों से नवाजना है। सुनिए। बने रहना लड़कों खुददार, बने रहना लड़कों खुददार, अगर कर बैठोगे इजहार मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस लेगी। पड़ेगी तन्हाई की मार, पड़ेगी तन्हाई की मार, खफा हो जाएंगे सब यार मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस ले। यकीन मानना, एक आदमी के सर पर दो औरतें हाथ फेरती हैं, एक उसकी माँ और एक उसकी प्रेमिका। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं और जब प्रेमिका हाथ फेरती है तो बाल झड़ते हैं। अरे वाह, और ये बहुत अच्छा तजुर्बा आपका। और यहाँ पे कितने लोग ऐसे, यहाँ पे कितने लोग तो ऐसे बैठे हुए जिनके सर पर
जाने कितने लड़कों की प्रेमिकाओं ने हाथ फेर रखा है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सरों पे जो लहलाते हुए बाल है ना, ये हमेशा हमेशा महफूज रहे। सुनिएगा जी, अता करें। मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस लेगी, बन सुनेगा। पहले तो वो शर्माएगी जी, धीरे धीरे मुस्काएगी। पहले तो वो शर्माएगी, धीरे धीरे मुस्काएगी। दीवाने जब हो जाओगे, पागल खाने भिजवाएगी। वाह, हकीकत है ये बरखुरदार, हकीकत है ये बरखुरदार। तजर्बा बोल रहा है यार, मोहब्बत डस लेगी। ये है मोहन मुंतजिर, मोहब्बत डस लेगी। मेरे बरखुरदार का जवाब नहीं। मेरे मेरा छोटा भाई मुझे भी यहाँ तशरीफ रखता है। मैं एक बार इसके घर गया साहब, इन्होंने मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह। मैं मुजीब भाई के घर गया तो मैंने मुजीब भाई से कहा, मुजीब भाई आपने जो ये कुत्ता पाल रखा है, ये तो एकदम शेर की तरह लग रहा है। तो मुजीब भाई बोले, मोहन भाई गौर से देखिए, ये शेर ही है, बस प्यार व्यार की चक्कर में पड़ के इसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है। मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत बंद पड़ता हूँ सुनेगा। जब यादें पर लहराएंगी, नींदें तेरी उड़ जाएंगी। जब यादें पर लहराएंगी, नींदें तेरी उड़ जाएंगी। जागोगे रातों को उठकर, आंखें दुखने लग जाएंगी। बढ़ेगी धड़कन की रफ्तार, बढ़ेगी धड़कन की रफ्तार। लगोगे चेहरे से बीमार, मोहब्बत डस लेगी। हाय हाय हाय, वाह भाई वाह 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 भाई, माशाल्लाह। मुजीब भाई भी मुस्कुरा रहे हैं, सुभान अल्लाह। मेरे भाई, मोहन साहब जवाब नहीं है। वाह वाह, मुझे आपका बहुत शुक्रिया। मोहब्बत डस लेगी, आप यकीन मानिएगा। अभी ये यहाँ पे मोनिका देहलवी यहाँ पे तशरीफ रखती हैं। हम लोग जब कटिहार उतरे, तो कटिहार में जब हम एक स्टेशन के पास में खड़े हुए थे, तो एक लड़का इन्हें बड़े बड़े ही घूर के देख रहा था। अच्छा, मोनिका जी ने पहले तो थोड़ा बर्दाश्त किया, चलो ठीक है, खूबसूरत हूँ तो कोई घूर के देख सकता है। जब अति हो गई तो मोनिका देहलवी ने उसकी तरफ देखा, बोला कि एक थप्पड़ मारूंगी ना तो सुपौल जाके गिरेगा। अच्छा, लड़का भी बड़ा समझदार था नरपतगंज का, बोला मोनिका जी, बोले मैडम थोड़ा धीरे मारिएगा, नरपतगंज उतरना है। क्या बात है, मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस लेगी। अब यहाँ से गीत के वो दो बंद पढ़ता हूँ जो मैंने सबसे अच्छे कहे, इस बार जो हाथ खामोश से खामोश न रहे, सुनिएगा। पीछे उसके पड़ जाओगे, जिद पर अपनी अड़ जाओगे। पीछे उसके पड़ जाओगे, जिद पर अपनी अड़ जाओगे। एक लड़की की खातिर अपने घर वालों से लड़ जाओगे। तबाह हो जाएगा घर बार, तबाह हो जाएगा घर बार। लुटा बैठोगे कारोबार, मोहब्बत डस लेगी। वाह भाई वाह, मोहब्बत डस लेगी। मेरे यहाँ बुजुर्ग भी तस्वीर रखते हैं, यकीन जानेगा, हम लड़कों का दिल बहुत बड़ा होता है जी, बहुत बड़ा दिल होता है साहब। क्योंकि इतना बड़ा दिल होता है कि हार्ट अटैक से सिर्फ लड़के ही मरते हैं। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई महिला, कोई किसी महिला को हार्ट अटैक आया। मैंने एक, आप यकीन मानेगा, एक ऐसा वक्त था, या मेरे चाचा, एक ऐसा वक्त था कि राष्ट्रपति भवन से लेकर नगर निगम तक बड़े पद पर सिर्फ औरतें काम करती थी। मैंने बहुत खोजबीन की साहब कि क्या कोई एक ऐसा दफ्तर है जहाँ पे औरतें काम नहीं करती। तो बहुत खोजबीन के बाद मुझे मालूम चला कि एक ऐसा दफ्तर है जहाँ पे औरतें काम नहीं करती, और वो दफ्तर था दमकल विभाग, यानी कि फायर ब्रिगेड, यानी कि वो लोग जो घर घर जाके आग बुझाते हैं। तो मैंने कन्वीनर मुशायरा अब्दुल भाई से और निरंजन सिंह साहब से पूछा कि ये आखिर क्या वजह है कि इस विभाग में, फायर ब्रिगेड में औरतें काम नहीं करती। तो अगर इनका जवाब आपको अच्छा लगे तो मुझे तालियों से बताना, फिर मैं अगला बंद पढ़ता हूँ। मैंने कहा साहब वो ये इस विभाग में औरतें काम क्यों नहीं करती, तो इनका जवाब था, मोहन भाई औरतों का काम आग बुझाना थोड़े ना होता है, लगाना। मोहब्बत डस लेगी,
शंकर साहब, शंकर साहब तशरीफ रखते हैं, बहुत बहुत बड़े शायर हैं, इनकी दुआएं करता हूं। जी जेरे लब मुस्कुराहट। मैंने आपसे कहा था कि दो तरह की लड़कियां होती हैं, फर्क करना सीखेगा ये सबसे अच्छा बन पड़ता हूँ, सुनिएगा। अता करे नवाजिश इनायत इरशाद। होठों पर हाँ भी होती है जी, पर दुश्मन जान भी होती है। होठों पर हाँ भी होती है, पर दुश्मन जान भी होती है। सब जोधा बाई नहीं होती, कुछ राधे माँ भी होती है। अरे भाई राधे माँ का बहुत बड़ा बंद था, समझ नहीं पाए, फिर से पढ़ता हूँ। होठों पर हाँ भी होती है, पर दुश्मन जा भी होती है। होठों पर हाँ भी होती है, पर दुश्मन जा भी होती है। सब जोधा बाई नहीं होती, कुछ राधे माँ भी होती है। बड़ा रंगीला है बाजार, बड़ा रंगीला है बाजार, बचा कर रखिएगा किरदार, मोहब्बत डस लेगी। अरे आइए मोहन साहब, अरे बाबा जी, अरे खत पढ़िए खत जी जी। अरे तबरेज हाशमी साहब की फरमाइश, खत पढ़े जी जी। आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल करके बुलाए मोहन मुंतजिर साहब को जी। मोहन साहब वो खत आप जरूर पढ़े, यहाँ पे ज्यादातर पुराने आशिक ही बैठे हुए हैं जो खत से काम चलाते थे, मैसेज का जमाना तो अब आया है जी। खत जरूर पढ़े आप। बहुत शुक्रिया मेरे भाई तबरेज़ भाई का, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। असल में नहीं, वो मुकर्रर भाई साहब, ये मुकर्रर मुकर्रर की चक्कर में 125 करोड़ हो गए हम। ये तबरेज़ हाशमी बहुत अच्छे शायर हैं, उनको सुनना है आपको। और यहाँ पे हमारे अकमल बल्लामपुरी, असद बस्तवी साहब और मोनिका देहलवी जी, अभी वो मैंने चिंगारी आपको लगा दी, मोनिका देहलवी जी पूरा आग लगा के जाएंगी यहाँ पे। चार मिसरे पढ़ता हूँ, आपको चांदनी शब्दों को सुनना है। मेरे भाई अपनी ज़िंदगी में मैंने जो सबसे अच्छा कहा, अररिया वालों इस नज़्म को आपने ज़िंदा किया, जब मैं उस मतीउर रहमान उस छोटे से 17 साल के लड़के के मुशारे में गया था। यहाँ से वो नज़्म पढ़ता हूँ इस तमहीद के साथ कि मेरे कॉलेज का पहला दिन मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई, और वो लड़की उस कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। बहुत सताया। और मज़े की बात तो ये थी साहब कि उसी लड़की से कॉलेज के आधे लड़कों को मोहब्बत हो गई। बाप। उन आधे लड़कों में से आधे लड़के जो अपने दिल की बात नहीं कह पाए, वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कलेक्टर बन गए, विधायक बन गए, एमपी बन गए। और उन आधे लड़कों में से आधे लड़के जिन्होंने अपने दिल की बात कह दी, जिनमें से एक मैं भी था, उसको उस लड़की ने इनकार कर दिया, फटकार दिया। वो आधे लड़के जिसको उस लड़की ने इनकार कर दिया, फटकार दिया, वो या तो शायर बन गए या फिर मुशायरा सुनने वाले सामाईन। क्या बात। उस वक्त एक गुस्सा आया था साहब, एक गुस्सा आया था, आपको भी शायद वो गुस्सा आया हो। मैंने उस गुस्से को एक खत में तब्दील कर दिया। आप मेरी सारी शायरी में खामोश रहते, मुझे कोई अफसोस नहीं होता, जिंदगी का मकसद पढ़ता हूँ। अगर आपको गुस्सा आया तो वो गुस्से को आप तालियों में तब्दील कर दीजिएगा। ये जो मोहल्ला है ना, ये मोहल्ला, ये जो बीच में ये जो मोहल्ला बैठा है, इसने पूरा मुशायरा बनाया हुआ है। ये जो आसपास के जितने ये मेरे नौजवान भाई तशरीफ यहाँ खड़े हुए हैं, ये खासतौर ये मोहल्ला भी अच्छा सुन रहा है। मैं ये इस मोहल्ले के लिए बात कहता हूँ कि जिस लड़की ने मुझे धोखा दिया है मुजाहिद भाई, मुझे पूरा यकीन है कि इस मोहल्ले को भी उसी लड़की ने धोखा दिया। जी जी। मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर, और मोहब्बत में खुददारी देने की कोशिश करता हूँ। जो दर्द होता है साहब, वो गाया नहीं जाता, चीखा जाता। पढ़ता हूँ कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तुझे नींद ना आएगी, नींद ना आएगी तो चेहरे पर असर आएगा, चेहरे पर असर आएगा तो तू नजरें चुराएगा, फिर जाने कब तलक हमसे मिलने ना आएगा, तू मिलने ना आए हमसे ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। मेरा यकीन मानना, जितने हाथ खामोश दावा करता हूं, ये खत धीरे धीरे जवान होता है। जो हम पहली बार किसी लड़की को खत में लिखकर भेजते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और उस खत को वो चार टुकड़ों में वापस आपकी तरफ उछाल देती है, उस वक्त उस खत में ये लिखने की बजाय कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये लिखकर भेजा होता कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, तो आज भी वो खत उसकी अलमारी में रखा होता। करोगी मोहब्बत तो कुछ यूं मोहब्बत होगी,
कभी शक होगा मुझ पे, कभी शिकायत होगी। जिनसे वास्ता नहीं उनसे अदावत होगी, शहर से नफरत दुनिया से बगावत होगी। हम सह जाएंगे तुम ना सह पाओगी, कैसे जमाने के सितम उठाओगी। समझाएंगे घर वाले तो मुझसे खफा हो जाओगी, मैं तन्हा रह जाऊंगा तुम बेवफा हो जाओगी। तुम हो जाओ बेवफा, तुम हो जाओ बेवफा, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। क्या बात है, यकीन मानेगा या मेरे बुजुर्ग भी तशरीफ रखते हैं। इस खत के बाद मोहब्बत में होने वाले फिजूल खर्चे बच गए, वो खर्चे जो सिर्फ लड़के करते हैं, वो खर्चे जो सिर्फ लड़कियों पे किए जाते हैं, वो खर्चे जो कभी वापस नहीं आते। इस खत के बाद मेरे नौजवान भाइयों की जेब में पैसा और मोबाइल में बैलेंस रहने लगा, जब तक कि जियो नहीं आया था। करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा फिजूल बात होगी। शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुंचते पहुंचते रात होगी। पूछेंगे घर वाले तो क्या बताओगी, झूठ बोलोगी या खामोश हो जाओगी। सोचकर दिन की बातों को मुस्कुराओगी रात भर, नींद ना आएगी तुमको जागोगी रात भर। चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चिढ़ाएंगे, मेरा नाम लेकर लोग तुझे बुलाएंगे। इन हरकतों से एक दिन उकता जाओगी, हमें पत्थर की तरह ठुकरा जाओगी। तुम ठुकराओ हमें, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। यकीन जानेगा इस खत के दो हिस्से बचे हैं, जो सबसे अच्छे हिस्से होते हैं मैं वो लास्ट में पढ़ता हूँ। यहाँ मेरे जितने बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं उनके हवाले से, यहाँ मेरे जितने नौजवान भाई तशरीफ रखते हैं उनको नसीहत देता हूँ। मोहन सुनिएगा, मोहन साहब कम से कम 10 मरतबा आप ये कह चुके हैं कि बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग लोग। ये गजल का मुशायरा जो सुनने आते हैं वो बुजुर्ग नहीं, नौजवान होते हैं। आप देखिए उनकी निगाहें सबसे ज्यादा मोहतरमा की जानिब उन्हीं की है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नए से जान लो चादर पुरानी कम नहीं होती, मियाँ उतरी नदी में भी रवानी कम नहीं होती। और बुढ़ापे को हकारत की नजर से देखने वाले, वाह चाचा आए सलाम, वाह। देखिए बैठिए, नए से जान लो चादर पुरानी कम नहीं होती, मियाँ उतरी नदी में भी रवानी कम नहीं होती। और बुढ़ापे को हकारत की नजर से देखने वालों, ज़ईफ़ी में भी एहसास जवानी कम नहीं होती। पढ़ा भाई मोहन साहब, यार यकीन मानना चाचा, चाचा जिंदाबाद, आपकी मोहब्बतों को, आपको सलाम कर, क्या जवानी मिस कॉल कर रही है चाचा के हवाले से। यकीन जानेगा, देखिए मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनेगा कि दिल जले होने की कोई उम्र नहीं होती। चाचा की तरफ, चाचा के हवाले से चार मिसरे बतौर नसीहत आपको पढ़ता हूँ, उसके बाद इसके दो बंद पढ़ूंगा, सुनिएगा। एक मरतबा जोरदार ताली बजाकर मुझे इजाजत दीजिए, आप सुनना चाहते हैं पूरा पांडाल ताली बजा के भी बताइए ज्यादा, सुनेगा। दे दिया था। ये मोहब्बत अजाब कर देगी, ये मोहब्बत अजाब कर देगी। चार मिसरे पढ़ता हूं उसके बाद नज़्म खत्म करूंगा। ये मोहब्बत अजाब कर देगी, हर हकीकत को ख्वाब कर देगी, हर हकीकत को ख्वाब कर देगी, छोड़ देगी तुम्हें बुढ़ापे में, छोड़ देगी तुम्हें बुढ़ापे में और जवानी खराब कर देगी। वाह भाई वाह वाह वाह, और जवानी खराब कर देगी। नज़्म के इस खत के दो हिस्से, मेरे भाई जिंदगी के मकसद ले जाना कि करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा। आहा, पढ़ता हूं मेरे भाई। करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा, जमाने से छुपकर प्यार भी करना होगा। तुझको तकने लगेंगी दुनिया की नजरें, मुझ पर रहने लगेंगी दुनिया की नजरें। फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, हमें छोड़कर इश्क दूसरा कर लोगी। वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम खूबसूरत हो, ख्वाहिश हो सबकी हसीन सूरत हो। आहिस्ता आहिस्ता तेरी उम्र खफा हो जाएगी, तेरी मोहब्बत भी फिर बेवफा हो जाएगी। उसके बात करने का ढंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फों का जब रंग बदल जाएगा। याद कर फिर हमें पछताओगी बहुत, सदाएं दोगी चीखोगी चिल्लाओगी बहुत। बिताने आओगी जिंदगी का किनारा हमारे साथ, जवानी किसी के साथ बुढ़ापा हमारे साथ। तुम मिलो बुढ़ापे में, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए।
इस नज़्म का, इस खत का आखिरी हिस्सा, लेकिन जैसे आपने खैर मकदम किया था वैसे ही विदा भी करना मेरे भाई। इस बार अपना ये शोर, अपना ये हंगामा मेरे शहर में रहने वाली उस बेवफा लड़की तक पहुंचा देना, ताकि उसे लगे कि मोहब्बत करने वाले लोग कैसे होते हैं और मोहब्बत की कद्र कैसे की जाती है। सुनिएगा मज्जू भाई, सुनिए सुनिए कि करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा। टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता, अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा, बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकरा कर अपने शहर लौट जाओगी, हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्ज़ाम, लड़की पर नहीं आता भगाने का इल्ज़ाम, फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, पानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में, अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी, उम्र गुजरे जेल में, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो।